मेरे अति प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज मैं आपको नमस्कार करता हूँ। क्या आप बहुत ही आनंद खुशी के साथ रहते हैं? नहीं, हमेशा निराशे में हैं, हमेशा दुख में। कभी कभी दुखित होने से, कभी निराश होने से कोई बात नहीं, लेकिन आपके जीवन में हमेशा क्या दुख के साथ रहते हैं, परेशानी के साथ रहते हैं, निराश के साथ रहते हैं? ऐसे नहीं, वचन कहता है, परमेश्वर की वचन में हमेशा आनंदित और महान रहना चाहिए। दूसरा शामिल की पुस्तक 22 अध्याय की 33 वचन में, यह वही ईश्वर है जो मेरा अति दृढ़ किला है, वह खरे मनुष्य को अपने मार्ग में लिए चलता है। भक्त कहता है, परमेश्वर मेरे लिए दृढ़ गढ़ है, मेरे मार्गों में वो संभालता है। यही आपका भी अनुभव होना चाहिए, आपको ऐसे कहना, परमेश्वर मेरे लिए दृढ़ गढ़ है, मार्गों को रक्षा करता है। मैं भी ऐसे कहना, इसलिए परमेश्वर वचन के द्वारा बातें करता है। लोग जब बड़े बड़े मकान बनाते हैं, चारों तरफ में बड़े बड़े दीवार को खड़ा करते हैं ताकि अंदर कोई आसान से ना आ सके। उन दिनों में राजा लोग भी अपने राजमहल को और रलोहों को बचाने के लिए बड़े बड़े दीवार बनाते थे, उसी को किले के रूप में कहते हैं। ऐसे ही परमेश्वर हमारे लिए एक सुरक्षा के गढ़ में है। मैं अपनी सेवा के द्वारा कह सकता हूँ, मेरे जीवन में परमेश्वर ने मुझको अभी तक सुरक्षित रखा है, इसलिए मैं आज तक जीवित हूँ। मैं हिम्मत से कह सकता हूँ, प्रभु ने मुझे बचा के रखा है और मार्गों में वो मेरी रक्षा करता है। मेरे जीवन में, मेरी सेवा में मैं खुद कह सकता हूँ, मैंने इतनी गलतियाँ की है, कभी कभी भूल किए हैं, लेकिन परमेश्वर ने मेरे सारे अपराधों को या कमियों को दूर किया, मेरी रक्षा की। मेरे मार्गों में परमेश्वर ने मुझको सुरक्षित रखा है। इसका मतलब आपका जीवन में भी ऐसे करेगा। इसका मतलब परमेश्वर कमी को देख के ऐसे ही छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। यदि आप एक मकान को बनाते हैं, एक दीवार को या दरवाजा को बनाने के पहले एक लकड़ी को चुनते हैं, उस लकड़ी को ठीक ढंग से करने के बाद उस दरवाजा को बनाते हैं, वैसे ही प्रभु हमारे जीवन में कमी को दूर करके, मेरे जीवन की कमी को दूर करके सेवा में आगे बढ़ाया। आपके जीवन में भी कमी को दूर करके आपको आशीष देगा। आपके भी शायद जीवन में कुछ कमियां हो सकता है, इसलिए बार बार इतनी कोशिश करने के बावजूद आप हार को देख रहे हैं, कोई बढ़ोतरी नहीं है। मेरे जीवन में भी मैंने परमेश्वर को काम करने के लिए जगह दिया, सुधारने के लिए प्रभु के पास मैंने अर्पण किया, तो परमेश्वर ने मेरे जीवन को सुधारा। वैसे ही आपके जीवन में आपके मार्गों की कमी को प्रभु बदल के आपके जीवन में आशीष को दे के उन्नति में करने के लिए चाहता। क्या आप अपने जीवन में जगह देंगे? गलती को सुधारने के लिए जब अर्पण करेंगे, तब परमेश्वर आपके मार्गों को सुधारेगा, आशीष देगा और सुरक्षित करेगा। आप कहेंगे, हे प्रभु, मैं अपने आप को अर्पण करता हूँ, मेरे जीवन को तो सुधारना, मेरे मार्गों को ठीक करना है। कुछ ऐसे बातें हैं, मैं अपने जीवन को पूरे पूरे अर्पण करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन।